हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शान भट्टी है और आज इस लेक्चर में हम बेसिकली एक फेमस चीज बनाएंगे जिसको कहा जाता है एक्स ऑफ तुर्गुत। अगर आप लोग मेरी तरह उर्तुगुल के फैन हैं तो आप लोगों ने ये एक्स जरूर देखी होगी। तो आज के इस बेसिकली माया लाइक ट्यूटोरियल में वी विल बी मॉडलिंग दिस सिंपल एक्स। ठीक है, ऐसे ख्याल आया, मैंने कहा चलो शुगल करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। First of all, again, this is a very simple design, very simple model, and we will be working with spherical object, or फिर यहाँ से polygon से लेकर हम उसको फिर आगे की तरफ twist करेंगे, ठीक है? तो पहले let's open Maya, और sometimes it's always recommended that हम एक छोटा सा plane बना के as a reference के तौर पे इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? इससे ये होगा कि मुझे तस्वीर बार बार जो है इसके अंदर call करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So if I open channel box, या plane, ठीक है, इसको हम रोटेट करा देते हैं 90 डिग्रीज में और W प्रेस करके इसको मैंने ऊपर करा दिया। थोड़ा सा इसको हम सीधा पदरा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इधर आ गया। राइट क्लिक किया इसी के ऊपर और भाईजान राइट क्लिक किया हमने इसी के ऊपर, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड, वापस राइट क्लिक किया और मटीरियल असाइन न्यू मटीरियल कर देते हैं इसको। और फिलहाल मुझे माया का इसको मटीरियल देना है लैम्बर्ट, ओके, और लेट्स जस्ट गिव इट अ लैम्बर्ट मटेरियल। और इसके कलर में जाके जो है हम टेक्सचर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल, और फाइल मटेरियल को वो मटेरियल लोड करा देते हैं ताकि मुझे बार बार जो है वो स्विच करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और इफ आई कम हियर एंड आई हैव दिस फोल्डर अवेलेबल, और कहाँ गया, आई थिंक रेफरेंस फोल्डर था यहाँ पे, तुर्गुत एक्स, ठीक। So this should be enough. So if I press 6, हमारे पास इमेज आ जाएगी। To make it in a better visibility, if you see this, ये इमेज हमारे पास पोस्टर थोड़ा सा elongated है और थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको मैं थोड़ा सा साइज के साथ सेट कर लेते हैं। अगेन यूवी हमारे पास सेट नहीं है, तो वी विल कम इन साइड यूवी, बेस्ट प्लेन कर लें या प्लेनर मैपिंग यूजली आई वर्क फाइन फॉर मी। एक्सिस सिर्फ चेक कर लेते हैं कि जेड एक्सिस से पॉइंट कर रहा है, सामने की तरफ जेड एक्सिस है, यहाँ भी आके मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करके प्रोजेक्ट कर दूंगा तो तस्वीर जो हमारे पास करेक्टली स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। ऑब्वियसली वी विल नॉट बी मॉडलिंग द होल कैरेक्टर, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, तो इस एक्स को थोड़ा सा हम बड़ा करके यहाँ पे रख लेते हैं और इसके ऊपर वी विल बी वर्किंग ऑन, ठीक है, दैट शुड डू द ट्रिक। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएट पॉलीगॉन वेरी क्विकली सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर बना देते हैं। रोटेट में गए, इसको हम फिलहाल 90 डिग्रीज की रोटेशन में डाल दिया। रेडियस पे चले गए, आई थिंक इसका जो हमारे पास कंट्रोल ए अगेन, हम एट्रीब्यूट एडिटर खोल देते हैं, ये मेरे लिए जिंदगी आसान करता है। 0.5 हम इसका रेडियस दे देते हैं। रोटेशन में चले गए, इसको थोड़ा रोटेट करा के फिलहाल यहाँ पे रखा, ठीक है। ऑब्वियसली इस टाइम अभी वी विल बी मॉडलिंग एंड एडिंग सम सेगमेंट्स इनटू इट, तो इस वक्त जो इसके 20 हैं उसको मैं कम कर देता हूँ। आई थिंक 12 या 16 शुड डू द ट्रिक, या आई थिंक 12 वुड डू द ट्रिक, और फिर बल्कि इनफैक्ट हाँ 12 काफी है, फिर जरूरत पड़ी तो हम आगे और इसमें एड करते जाएंगे, ठीक है। ये चीज हो जाएगी यहाँ पे सब डिविजन अलॉन्ग हाइट। Obviously, we would be needing like 6-7-8-10 के करीब हम ऐड कर लेते हैं, फिर हम देखे जाएंगे कि हम आगे और सेगमेंट्स इसमें क्या बात कर रहे थे। अगेन मैंने जो एक्सिस के सब डिविजन उसको फिलहाल कम कर दिया 12, ठीक है, इनफैक्ट समटाइम्स हम और भी कम कर देते हैं 10 कर दिया, ताकि मैं इसको पहले मॉडल करके फिर स्मूदिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली सेगमेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स मैं थोड़ा लो पॉली बना रहा हूँ इस वक्त और फिर उसको स्मूथ करके हम हाई पॉली के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके वर्टिकली जो हाइट के हिसाब से सेगमेंट्स हैं वो भी मैंने 10 के करीब ऐड कर दिए ताकि बेसिक शेप हम फॉर्म कर दें, फिर हम उसको मॉडल करके आगे कर देंगे, ठीक है। चलें, ये चीज होने के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर के इसको हम थोड़ा सा सीधा पदरा करके शेप में ले आते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इनसाइड माय फ्रंट व्यू और हमारे पास ये मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। वी कैन इंक्रीज द हाइट अ लिटिल बिट ताकि मुझे ज्यादा इसकी जो है वरी करने की जरूरत ना पड़े। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक इसकी हाइट कर दी हमने, ठीक है, और अब एज यू कैन सी दिस के वी हैव अ रफ मॉडल अवेलेबल फॉर अस। इसको थोड़ा सा रोटेशन करके हमने रोटेट करा दिया तो ये बेसिक तुर्गुत एलपी हमारे पास टेबल बन गई। फॉर नाउ व्हाट आई डू इज राइट क्लिक करके हम इसके वर्टेक्स में आ जाते हैं, इसकी वर्टेक्स उठाई कोने वाली, इसको थोड़ा सा हम इलोंगेटेड और एक्स में करेंगे क्योंकि ये मेरे हिसाब से गोलाई में ज्यादा नहीं है, चिपटा है ज्यादा, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लंबाई के हिसाब से आई जस्ट एडजस्ट इट एंड आई सेटल इट हियर। और इफ यू वांट आप इसको जो है थोड़ा सा और भी सेट कर सकते हैं, एक्सरे ऑन करके चेक कर सकते हैं। फॉर नाउ हम सिर्फ अब वर्टेक्स एडजस्ट करते जाएंगे और इसके बेसिक शेप को जो था थोड़ा सा अपने उसके टैब के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे।
ठीक है, बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट एक्स नहीं है, और थोड़ी सी हमारे पास दुर्गत भाई जो है, और बिस्मिल्लाह इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके दे देंगे, बिकॉज उसकी जो एक्स है वो हल्की सी ट्विस्टेड है, ठीक है, और जो इसकी स्टिक आती है हमारे पास, इसी तरह से आई विल सेलेक्ट दिस और इसको भी उठा के नीचे तक, और ये जो होगा इसको भी उठा के हम नीचे तक ले आएंगे। आई थिंक ये जो वर्टेक्स थी इनको थोड़ा सा और कम कर दिया जाएगी इनकी रोटेशन, ठीक है, और इसको इधर तक ला के रख देते हैं। आई थिंक इसको भी थोड़ा सा नीचे, और ओके, सो बेसिक शेप हमने इसकी सिरप का ऑब्वियसली फिर फॉर्म कर दिया। वंस वी आर डन विद दैट, तो हमारे पास इसकी डंडी बन गई, राइट क्लिक किया और फिर हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। सो वी हैव द स्टिक अवेलेबल। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि स्टिक बिल्कुल राउंड नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसे पिचकी हुई है, ठीक है, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट राउंड शेप, इनफैक्ट इट्स जस्ट अ लिटिल बिट स्क्यूड की हुई, पतली हुई सी डंडी टाइप की हमारे पास है, तो थोड़ा सा इसको मैंने मोटाई से दबा दिया ताकि स्टिक हमें पे नजर आए। अगेन हमारे हाथ में, हम जैसे इसको मॉडल करना चाहें हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं फिलहाल इसके बैक के ऊपर, तो अगेन बैक को मॉडल करने के लिए आई विल फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट गो इनसाइड दिस शेप, राइट क्लिक किया और सॉरी राइट क्लिक किया इसके ऊपर और हम इसके फेसेस के अंदर चले जाएंगे। सो वी कम बैक इनसाइड द फेसेस हियर। अब मैं इसी में से एक्सट्रूड करके भी शेप निकाल सकता हूँ, या व्हाट आई कैन डू इज के मैं अलग से भी अटैच करके इसको मॉडल कर सकता हूँ, लेकिन फॉर नाउ लेट्स जस्ट ट्राई विद दिस थिंग। मैं इसी में से फॉर एग्जाम्पल फेसेस सेलेक्ट किए और फिर एडिट मैश में जाके हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। वंस वी क्लिक ऑन एक्सट्रूड तो हमारे पास एक्सट्रूड का इस तरह से मेन्यू आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने बाहर निकाला, ज्यादा नहीं हल्का सा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक बम्प टाइप का दिखाना है। अब वही टूल मुझे दोबारा रिपीट करना है, मैं जी प्रेस कर दूंगा। माया में एक चीज है कि जो टूल अभी आप यूज किया हुआ है उसी को दोबारा रिपीट करने के लिए आप जी प्रेस कर दो। अगेन टूल्स यूजली जो हम यहाँ से यूज कर रहे होते हैं। वंस आई एम अवेलेबल हेयर तो इसको उठा के फिर जो है मैंने यहाँ पे ला के रखा, थोड़ी सी स्केलिंग इसकी हमने बड़ी कर दी। ओके, होपफुली दिस विल डू द ट्रिक। फिर अगेन जी प्रेस किया, इसको वापस बाहर निकाला इस तरह से, और अब की बार इसकी स्केलिंग हमने थोड़ी सी और बड़ी कर दी। चलो ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन कम इनटू पर्सपेक्टिव और यहाँ पे आके मैंने ये सारे फेसेस पहले तो कर दिए सेलेक्ट, ठीक है, और इनको कर दिया डिलीट। सॉरी, ये फेसेस और जो दूसरी तरफ वाले थे उसको कंट्रोल से कर देते हैं डी सेलेक्ट, ठीक है, मेकिंग श्योर कि हमारे पास सिर्फ यही फ्लैग्स हों, और इन फेसेस को कर दिया डिलीट, बिकॉज सिलेंडर है तो उसके आखिरी के कोने जो ना आके चिपक जाते हैं, फिर उनको कोनों को मॉडल करना जो है मुझे हमेशा एक अजाब लगता है और बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल, सो मैंने इसको हटा दिया और राइट क्लिक किया। अब आते हैं फ्रंट व्यू के अंदर, ठीक है, तो अब मेरे लिए जो है ना इनके किनारियों को मॉडल करना बड़ा आसान हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन सेलेक्ट दीज टू वर्टेक्स, इनको यहाँ पे लेकर आ गए, इसी तरह से इसको यहाँ पे ले आए, और नाउ यू कैन सी दिस कि मेरे पास ये जो शेप है उसको फॉर्म करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसके किनारी का शेप आ गया। नाउ वी कैन वेरी इजिली कंट्रोल हाउ दिस बेसिक शेप इज सपोज टू लुक टू अस, ठीक है, तो ये बेहतर एक तरीका हो जाएगा, और फिर हम उसको जो है पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। एंड देन राइट क्लिक, गो ऑन साइड द एजेस, इस एज को डबल क्लिक किया और इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से बंद कर दिया। ओके, जरूरत पड़ी तो फिर हम इसी को भी एडिट मैश और एक्सट्रूड करा देंगे। ऑब्वियसली वी कैन एक्सट्रूड द एजेस, तो इन एजेस को भी मैंने इस तरह से एक्सट्रूड करा दिया, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, और आई थिंक एक और दफा एक्सट्रूड करा देते हैं थोड़ा सा इसके अंदर कराते हुए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और नाउ शेप हमारे पास इजीली बन जाएगा। सो एक और दफा एक्सट्रूड करा दिया, एक्सट्रूड पे क्लिक किया और इसको हमने थोड़ा सा स्केल कराते हुए जेड डायरेक्शन में बंद करा देते हैं, ठीक है, और स्केल नॉर्मल वाला मैं प्रेस करूंगा इसका टूल को बंद करते हुए। एंड वी हैव दिस, ओके सॉरी गलती हो गई, कंट्रोल जेड गलती हो गई कि यहाँ से थोड़ा सा ये खराब हो गया, मैंने जी जो था वो दो दफा दबा दिया। रिमेम्बर माया में एक ऑप्शन है कि आप जब जी दबाते हो तो बेसिकली आप देखो सही हो रहा है, बेसिकली जी से लास्ट टूल रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो कंट्रोल जी दबा दिया तो उसमें क्या हुआ कि एक्सट्रूड दो दफा हो गया, तो एज वहीं पे थी, वहीं पे दूसरा एज आ गई, तो थोड़ा सा हमारे पास शेप प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, तो इसको मैं जरा सा बंद कर देंगे हम। वी कैन कम हेयर और इसको स्केल करा दिया, एंड देन डब्ल्यू से इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा बाहर भी ले आके आ सकते हैं। बहरहाल यू गेट द पिक्चर कि अब मेरे पास जो मेरा शेप है वो थोड़ा सा इस तरह से बनने लग जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने इसको थोड़ा सा यू कर देंगे तो ये फिर पूरा इस तरह का डिंचाक हो जाएगा।
then because we have selected all these vertex already, ye pura loop mein vertex selected hai, you can come into mesh and click on fill hole, to aapka hole band ho jayega. To jo border ke vertex honge, agar wo properly sahi se bane mein koi problem nahi hai, to basically aap usko fill hole kar doge. To jo beech mein humne hole kaata tha, uski wajah se fir hum thoda sa sometimes problem agar kisi ko ho bhi rahi hai, to we can easily remove that hole later on. और फिर इसको मैं वर्टेक्स को पीछे कर दूंगा, तो ये हमारे पास शेप आ जाएगा. रिमेंबर मैंने इसको वैसे ही पॉलिश स्मूथ अप्लाई करना है, तो वी वुड बी वर्किंग ऑन दैट लेटर ऑन. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया. वी विल स्मूथ इट आउट और फिर हम देखेंगे कि इसको फिर आगे क्या करना है. तो यहां तक ये चीज हमें बनी. यही चीज मैं इसके साथ भी किनारी के साथ कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी एक बट हेड टाइप का ऑब्जेक्ट होगा. तो वॉट वी कैन डू समटाइम्स इज कि मैं इसको सिर्फ डबल क्लिक किया एजिस को, ताकि पूरा लूप सेलेक्ट हो जाए, और हम बेवेल पे क्लिक कर देंगे ताकि एजेस उसकी बेवेल में हो जाए. ठीक है, कंट्रोल जेड अगेन डबल क्लिक किया एजेस के ऊपर. मैंने बेवेल का यहाँ पे शॉर्टकट बनाया हुआ है. अगर आपने शॉर्टकट नहीं बनाया तो गो इनसाइड एडिट मैश और बेवेल. ठीक है, बेवेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेवेलिंग हो जाएगी. फ्रैक्शन में इसको थोड़ा सा कम करके रख सकता हूँ, या इवन सेगमेंट हम बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दो सेगमेंट कर दिए, तो ये भी थोड़ा सा नाइस राउंड सा हमारे पास एक टेपर इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, और अगेन अब ये वैल्यूज अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, तो समटाइम्स इसको कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है. तो रिमेंबर टू प्रेस द कंट्रोल की. जब आप कंट्रोल प्रेस करके मूव करते हो, तो बेसिकली अब आपका कंट्रोलिंग आ जाता है कि आप उसकी जो बेसिकली जो स्लाइडर है वर्चुअल, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि उसमें कितना स्मूथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो रिमेंबर बिकॉज इसको मुझे स्मूथ करना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल को थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगा. यूजली ये जो टिप होगी, अगेन वर्टेक्स में चले गए, एंड आई वुड लाइक टू हैव दिस टिप लिटिल बिट स्क्वॉश्ड. ठीक है, ताकि अगेन ये हमें थोड़ा सा चिपटी तरह सी नजर आनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. तो वी हैव द डंडी ऑलरेडी अवेलेबल. नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट द व्हाट वी कॉल एक्स फ्रेम. उसके लिए मैं बॉक्स बना लेते हैं. ठीक है, फिलहाल छोटा सा एक बॉक्स बनाया, डब्ल्यू प्रेस करके इसको ऊपर ला के रखा. ऑब्वियसली थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई, तो वी विल कम इन साइड अवर कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट. और हाइट अपनी जगह पर है. आई थिंक मेरे पास जो डेप्थ है, मैं पहले तो डेप्थ को कंट्रोल कर लेता हूँ. अगेन मैंने वेरिएबल पे क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस की, और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करने के बाद जो है, आप इसको जब स्केल करोगे या कंट्रोल करोगे, तो बेसिकली वो हमारे पास एक कंट्रोल फॉर्म में आ जाएगा. अब यहाँ पे इफ आई रिमेम्बर द हेड क्लियरली, इफ यू सी इट हियर, अगेन इसमें जो है वो दिखाया गया कि वो लकड़ी के अंदर से पास हो रहा है, और जो दूसरा मॉडल यहाँ पर है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लकड़ी उसके अंदर से जा रही है. तो डिपेंडिंग ऑन विच मॉडल यू आर फॉलोइंग, क्योंकि मैं तुर्गुत एल्प के हाथ में जो है उस पर ज्यादा यकीन रख रहा हूँ, और डिजाइन नेट पे बहुत सारी हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ से थोड़ा ऊपर से हेड बट मोटा हो जाता है, और फिर बीच में से पतला होते होते वो बढ़ जाता है, उसके बीच में से लकड़ी जो है बेसिकली पास हो रही है, और वो फिर उसके गिर्द रैप अराउंड हो रही है. ठीक है, इस वाले मॉडल में रिवर्स, इसमें लकड़ी जो है उसके ऊपर है, और जो शॉर्ट की है वो उस लकड़ी के बीच में से जा रही है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच मॉडल बेसिकली यू आर फॉलोइंग, दोनों के हिसाब से आप फॉलो अप कर सकते हो. तो मैं क्योंकि इसी को ही रेफर कर रहा हूं, तो आई विल बी बेसिकली यूजिंग दिस एज इट इज. ठीक है, अब इसका जो एक्स का हेड बनाना है, उसके लिए बेसिकली बहुत सारे तरीके हम पॉलीगॉन से भी बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका मेरे इस दिमाग में शरारत आई है कि व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इनसाइड कर्व टूल. मैं कर्व से भी बना सकता हूँ बाय द वे, हम एक कर्व व्यू पूरा बना के उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या सेम प्रोसेस जो है हम क्रिएट पॉलीगॉन टूल से भी कर सकते हैं. समटाइम्स दिस आल्सो बिकम्स वेरी कूल टूल. तो क्रिएट पॉलीगॉन टूल एक ऐसा टूल है जिसके तहत आप अपनी शेप का पॉलीगॉन बना सकते हैं. ठीक है, और बहुत कम यूज किया जाता है समहाउ, बट बड़ा जबरदस्त और बड़ा पावरफुल टूल है. तो इफ आई सेलेक्ट क्रिएट पॉलीगॉन टूल, व्हाट बेसिकली दिस टूल अलाउज़ अस टू डू इज़ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, एक पॉइंट इधर क्लिक किया, दूसरा पॉइंट इधर आया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, एंड नाउ आई जस्ट फॉलो द कर्व. ठीक है, और अब इस कर्व को हम फॉलो करते रहेंगे और ठीक है, बेसिकली होपफुली एक मिनट बैकस्पेस, लेट्स से. ठीक है, तो स्प्लाइन कर्व की तरह से ये काम करते हुए जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे, बेसिकली वो पॉलीगॉन हमारे लिए बनाता जा रहा है. तो बजाय कि मैं एक क्यूब उठाऊं और फिर उसको पूरा मॉडल करूं और उसको चेंज करूं और पूरे शेप में ले आऊं, आई कैन वेरी इजिली यूज दिस टूल हियर. ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन यूज क्लिक एंड ड्रैग ताकि आपको कर्व भी नजर आए. तो मैं इस टाइम क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, और इसी तर्ज पे फिर आप जो है इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे.
So once you are satisfied with the shape, press enter. Voila, shape ban gaya. Theek. So let's just come inside the, sorry, not helpline, perspective, spacebar. You can see this ke humare paas ye shape jo hai, wo ban chuka hai. Okay, if I press W, W nazar nahi aa raha because pivot point by default 0, 0 pe hota hai. So for every new object in Maya, pivot point 0 par hai. Let's just come here और modify में जाके इसको center pivot कर देते हैं. ये चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी. अब इस वक्त इस side black है because दूसरी side पे grey है. उसने उस side को shape दे दिया. If you want to reverse mesh display, इसीलिए हमारे पास हम reverse कर देंगे. तो हमारे पास direction reverse हो जाएगी. Once you have a polygon, ये basically a plane polygonal object है. We can always extrude it. So click on this और फिर हम इसको extrude कर देंगे. ठीक है? तो ये हमारे पास extruded form में एक पॉलीगोनल शेप आ गया. एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ थिक यू वांट द टॉप एंड हाउ नैरो यू वांट द बॉटम. दोनों आपकी बेसिकली मर्जी के ऊपर आ जाता है. राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए. सो वी नाउ हैव दिस थिंग अवेलेबल. ओके, अब इसको जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा और सीधा पदरा हमें करना पड़ेगा. सीधा पदरा से मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एडिट मैश में चले गए या मैश टूल्स में, एक ऑप्शन हमारे पास मल्टी कट का. इफ आई सेलेक्ट दिस, ठीक है, मल्टी कट क्या कहता है कि इस वर्टेक्स से सेलेक्ट करके आप इस वर्टेक्स तक चले जाओ, क्योंकि ये जो फेस है ना ये सिंगल फेस कहलाता है और इट हैज मल्टीपल एजेस. तो ये रेंडरिंग में रिजल्ट में हमें पास ज्यादा मजा नहीं करेगा. तो ऑलवेज रेकमेंडेड होता है कि आप एजेस को जो है इस तरह से मिला दो. ठीक है, तो मल्टी कट के थ्रू आपने एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक इधर किया, प्रेस एंटर एंड आपकी वर्टेक्स जो थी बेसिकली वेल्ड होगी. अगर नहीं हुई, कंट्रोल जेड, मेक श्योर आप वर्टेक्स टू वर्टेक्स वेल्ड करते चले जाए, प्रेस एंटर, तो ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको इवन स्मूथ करने भी जाओगे तो ये ज्योमेट्री आपकी बड़ी अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी. इट विल वर्क फाइन एंड इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट इफ यू डू इट लाइक दिस. ठीक है, तो ऑलवेज हम रेकमेंड करते हैं कि भैयान जब भी आप इस तरह से सॉफ्ट ज्योमेट्री आ रही है उसको पहले तो आप वर्टेक्स टू वर्टेक्स वेल्ड कर दो ताकि आपके सेगमेंट सही से बन जाए. अच्छा, अब एक चीज मैंने ये गलती कर दी कि मैंने इसको एक्सट्रूड करने के बाद वेल्ड कर रहा हूँ. उसूलन एक्चुअली मैं इसको पहले कर देता हूँ. उसका एडवांटेज ये मिलता है कि दोनों साइड से भी आता है. अब ये हुआ कि आपका एक साइड तो हुआ, दूसरा साइड नहीं हुआ, आपको दूसरा दोबारा करना पड़ेगा भाई. ठीक है, तो ये सर का दर्द है ना, इस सर के दर्द को वाइट फिलहाल रहने देते हैं. बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें हरकत करनी क्या है ना. तो मैं इसको भी उठा के इसके साथ वेल्ड कर देते हैं, प्रेस एंटर. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर में रह गया तो इसको उठा के मैं इसके साथ वेल्ड कर देते हैं. ठीक है, इसी तरह से इसको उठा के इसके साथ वेल्ड कर दिया और बेसिकली इसको इसके साथ उठा के हमने मर्ज कर दिया. आइडिया इससे एक्चुअली ये हो जाता है कि आपकी ज्योमेट्री जो है ना वो जब आप स्मूथ करोगे तो वो स्मूथ ही रहती है और सही से स्मूथ होती है. इट्स बेसिकली क्रिएटेड प्रॉपरली. ठीक है, ओहो, कंट्रोल जेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंटर हो गया. तो बेसिकली आप सेगमेंट से सेगमेंट मिला रहे हो और ये आपकी चीज सही से फिर क्रिएट हो जाती है. आई थिंक एक ये रह गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, प्रेस एंटर. ठीक है, तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि इसका एडवांटेज क्या हुआ. अगर राइट क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैश में गए. फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर स्मूथ लगा देता हूँ, ये रहा हमारा स्मूथ. तो ऊपर का हिस्सा आपको देखोगे तो बड़ी अच्छी तरीके से स्मूथ आपको नजर आएगा, नीचे के हिस्से में सीधी प्रॉब्लम है. ठीक है, वजह उसकी ये कि ये ज्योमेट्री सही नहीं बनी, लेकिन कमाल की बनी भाई मेरे. ये तो खारदार तार टाइप का आपका एक बन गया चार. सो समटाइम्स इवन नॉट बैड. बहरहाल कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड. सो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास रहेगा. सो बहरहाल फॉर नाउ वी जस्ट लीव इट टू दिस पॉइंट हियर. और अब इसको मुझे बेसिकली क्या करना है कि W प्रेस किया, ऊपर से इसको यहाँ पे लाके रख दिया, तो ये हमारे पास ज्योमेट्री आ गई. ऑब्वियसली इतनी मोटी एक्स नहीं होनी चाहिए, तो नीचे से वी नीड टू मेक इट क्या कहते हैं, शार्प, पतला. तो उसके लिए फिर हम आ जाएंगे डिफॉर्म के अंदर. I should do the trick. ठीक है, तो डिफॉर्म के अंदर आ गए. बेसिकली डिफॉर्म हमारे पास कुछ रैपर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने में बड़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं. सो लेट मी यूज दैट डिफॉर्म टूल और आई थिंक दिस विल डू द ट्रिक. तो राइट क्लिक किया, इसके अंदर सिर्फ लेटाइस पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट आता है. तो लेटाइस पॉइंट्स में चले गए, नीचे गए, स्केल गया. अब नीचे से मुझे उसको स्मूथ पतला करना था. So basically this becomes a very nice way. So if I come here, these two or these two. ठीक है, तो you can see this कि आपकी जो sword है वो जो क्या कहते हैं sword कह लो या sorry x वो लड़ी एक अच्छी सी शक्ल में धार बनना शुरू हो गई. ठीक है, obviously इसको थोड़ा सा और पतला कर देते हैं ताकि ये sharp हो जाए. इसको भी और इसके दो points को भी उठाया.
और हम यहाँ से भी इनको जो है वो शार्प कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है हमें वो शार्प नजर आए। इसी तरीके से मे भी ये जो दो पॉइंट्स थे इनको भी हम उठा के थोड़ी सी स्केलिंग कर देंगे, ताकि यहाँ से भी ये आपके पास पूरी इस तरह की शार्प नजर आए। सेम थिंग गोज हेयर, इसको भी उठाया इस साइड से और लेट मी जस्ट स्केल इट डाउन। तो सी डिफॉर्मर से समटाइम्स ये चीज बड़ी आराम से हो गई, अगर आप मैन्युअली करने बैठते तो इस तरह से शार्प करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। ये चीज हमारे पास इस तरह से फिक्स हो गई, ठीक है। सो वंस दिस इज डन, एडिट डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री को हम डिलीट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि डिफॉर्मर्स डिलीट हो जाएंगे और आपकी शेप जो था वो एज इट इज सेव हो गया। तो अब हमारे पास एक्स की वो शक्ल भी बनकर आ गई, बेहतरीन, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस शेप अवेलेबल। अच्छा, एक चीज और हम कर देते हैं कि राइट क्लिक करके एजेस में चले गए, फॉर डबल क्लिक ऑन दिस एज तो ये वाली लाइन पूरी सेलेक्ट हो गई। इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस एज ये लाइन भी हमारे पास आ गई, बल्कि इनफैक्ट अगेन मैंने इसको स्मूथ अगर हम करने गए तो क्योंकि सेगमेंट्स कम है तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेट्स जस्ट क्रिएट अ बेवल एंड सी के हाउ गुड द बेवल वर्क्स, ठीक है। एजेस में आ गए, इसको भी डबल क्लिक करा दिया और इसको भी डबल क्लिक करा दिया, ठीक है। लेट मी गो एंड डू अ डबल क्लिक ऑन द टॉप एज वेल और फिर इसको हम बेवल कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक बेवल ज्यादा उसने बारीकी से नहीं किया। इफ आई गो इनसाइड द बेवल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत इसने ऐड कर दिया, चलें दिस शुड डू अ नाइस जॉब। फिर हम इसको इसी तरह से रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स भी बन गई। सो इफ आई प्रेस 6 देयर वी गो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज हो गई। अब इसके ऊपर जो है हमें बेसिकली बाकी बैंड्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है। बैंड्स वगैरह ऐड करने से पहले फॉर एग्जांपल आई कैन कम हियर, मैं बैंड जैसे ये बने हुए तो ये मैं इसी के ऊपर एक्सट्रूड करके भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ तो अलग से भी लगा सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन बेसिकली व्हाट आर यू वांट टू डू। तो फॉर इन दिस केस जैसे अभी मेरे पास है तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम एक्चुअली इंटेंड टू डू। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पर आ गया ना, तो इधर हम क्या कर सकते हैं कि एडिट मैश में चले गए और इंसर्ट एज लूप टूल में चले गए, ठीक है। और यहाँ से हमने एक लूप इधर ऐड करा दिया और फिर एक लूप को यहाँ पे रखते और फिर एक लूप इधर ऐड करा दिया, ठीक है। फिर एक लूप इसके करीब में दे दिया और एक लूप इससे हमने दूर में दे दिया, फिर एक लूप इसके करीब में दे दिया और एक लूप हमने इसके थोड़ा सा दूर में दे दिया, ठीक है। इसी तरह से फिर एक लूप इसके हमने कंट्रोल जेड करीब में दे दिया और फिर ये एक लूप हमारे पास दूर में आ जाएगा, ओके। सो नाउ व्हाट वी डू इज वी गो इनसाइड द फेसेस और हमने फॉर एग्जांपल शिफ्ट क्लिक करके ये डबल के फेसेस, शिफ्ट क्लिक करके डबल फेसेस, शिफ्ट क्लिक करके बेसिकली आपने डबल फेसेस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ सिंपली एक्सट्रूड, सो क्लिक ऑन एक्सट्रूड एंड स्क्रोल और मूव योर कैमरा ताकि आपको जेड डायरेक्शन नजर आए, तो वी जस्ट मूव इट ऑन अ जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा जेड में मूव कर देंगे, प्रेस एफ ताकि कैमरा का फोकस हो जाए, फिर इसको आपने थोड़ा सा यू स्लाइड करा देना है। इससे ये होगा कि वो पट्टे जो है एक थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आपको इस तरह से नजर आने लग जाएंगे, होपफुली यू गेट द पिक्चर के में होना का क्या। फिर राइट क्लिक किया, हम एजेस में चले जाएंगे, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, बल्कि इसको अगर आप डबल क्लिक ना भी करो तो हमारे पास बैंड बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप स्मूथ करने गए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट दिस मैश एंड स्मूथ, तो यू बेसिकली गेट द पिक्चर के हमारे पास वो जो थे डबल बैंड्स बन गए। अब ऑब्वियसली कितना हम गैप रख रहे हैं उसकी बेस पे सारा सेटिंग आ जाएगी, तो ये ना हमारे पास नाइसली जो था एक वो सेटअप आ जाएगा। मेरे हिसाब से गैप ज्यादा हो गया, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। तो व्हाट यू कैन डू इज के यू कैन कम इनसाइड फॉर एग्जांपल फ्रंट व्यू, और ये जो गैप थे इसको मैंने थोड़ा जल्दी में करने के चक्कर में थे, आप इसको और भी कम कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक मिनट इस तरह से कर लेते हैं एजेस वाली कहानी, ठीक है। ये डबल एज सेलेक्ट किया और बल्कि ये वाली है ना, इस एज को सेलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट क्लिक किया इस एज को, ठीक है। इसी तरह से फिर इनको डब्ल्यू प्रेस करके आप करीब लेकर आ जाएंगे, तो डब्ल्यू प्रेस किया, इसको मैं इसके करीब लेकर आ गया, रिमेम्बरिंग कि शेप हमारे पास खराब ना हो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा करीब लेकर आ जाएंगे तो सही हो जाएगा। इस तरह से मैं सबको कर सकता हूँ। फॉर नाउ मैं कह देता हूँ कि यार ठीक है, इसको जरा सा हम ऐसे ही रहने देते हैं, या थोड़ा सा जल्दी से हम इसको कर भी देते हैं अगर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये उसके करीब आ जाएगा और आ जाएगी। अब ये बैंड थोड़े से मोटे हो गए, मैंने कहा चलो ठीक है खैर है उसका ना, इसको भी थोड़ा इसके और करीब लेकर आ जाते हैं। तो राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, नाउ व्हेन यू स्मूथ इट तो ये हमारे पास सही चीज नजर आ जाएगी। इसी तरीके से मैं ये वाले बैंड भी एड कर सकता हूँ, यू सी दिस, ये बैंड हमारे पास बने हुए हैं। तो आई कैन कम बैक हियर
और हम एडिट मैश में चले गए, हम मैश इंसर्ट एज लूप टूल में चले गए, तो ये मेरे पास एक पैटर्न आ गया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और फॉर एग्जाम्पल दूसरा पैटर्न मैंने इधर दे दिया, ओके okay? उसके बाद एक हमने यहाँ पे इसके करीब में सेगमेंट दे दिया, एक हमने इसके करीब में सेगमेंट दे दिया और फिर दूसरा सेगमेंट यहाँ पर आ गया, फिर इसके करीब में एक और सेगमेंट हमने दे दिया और फिर एक और सेगमेंट यहाँ पर आ गया, फिर इसके करीब करीब थोड़ा सा सेगमेंट रखते हैं और फिर हमारे पास ये बैंड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हमने इसको जो था फ्यूचर के कुछ और बैंड भी हमने इसमें दे दिए। आई थिंक इतने काफी हैं, या एक दो और दे देते हैं, एक दो और दे देते हैं, ठीक है। और ये इसके करीब आ जाएगा और ये इसके भी यूं करीब आ जाएगा। दिस वुड बी इनफ, आई थिंक यस दिस शुड बी इनफ, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। तो हमने बेसिकली किया क्या कि एक बैंड आ जाएगा, उसके गिर्द फिर हमने पतले पतले इस तरह के सेगमेंट्स बना दिए, ठीक है। वजह ये कि अब ये जो सेंटर में बड़े बैंड्स हैं उसको हमने सेलेक्ट करना है, तो एक सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया अगले वाले पे, एक सेलेक्ट किया उसके आगे शिफ्ट क्लिक करके डबल क्लिक, तो शिफ्ट दबा के रखा, डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट एक दफा क्लिक किया, अगले वाले पे दो दफा क्लिक किया, ठीक है। एक दफा शिफ्ट इस पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के दो दफा इस पे क्लिक किया, शिफ्ट एक दफा इस पे क्लिक किया, शिफ्ट दो दफा इस पे क्लिक किया, तो इससे ये हुआ कि हमारे पास बैंड सेलेक्ट हो गए। तो अब हमने मोटे वाले बैंड सेलेक्ट कर दिए, पतले वाले हमने छोड़ दिए। अब फिर वही एक्सट्रूड करेंगे हम, ठीक है, और इनको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। रिमेंबर जैसे ही आप इसको फिर जब स्मूथ करने बैठेंगे डंडी को, तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। एक मिनट, कंट्रोल जेड, मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा क्योंकि हाथ के हिसाब से भी ये थोड़ा सा सही बैठे, ठीक है। तो जेड में आते हुए इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह से हल्की सी पुश दे देंगे, ठीक है। तो ये बैंड भी यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ गए। सेम थिंग कैन बी डन हियर एज वेल, ओके। यहाँ पे भी बेसिकली अब हम वही चीज करने जाएंगे फिलहाल, जैसे ये जो दो तीन बैंड हैं पट्टे पट्टे, इनके लिए, ताकि ये चीज हमें उसी तरह से नजर आए। तो वापस यहाँ पे मैश टूल में चले गए, इंसर्ट एज लूप टूल चले गए, यहाँ पे हमने एक सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी हो गया, चले एक करीब में दे दिया, एक इसके थोड़ा सा दूर, फिर एक इसके बिल्कुल कंट्रोल जेड, एक इसके करीब में, एक इसके थोड़ा सा दूर, फिर एक करीब में, और एक थोड़ा सा दूर, फिर एक करीब में, फिर एक थोड़ा सा दूर, ठीक है। फिलहाल हम दे देते हैं, फिर मैं भी बाद में दिखाता हूँ कि मैंने एक्चुअली करने का क्या इरादा था। ये चार पांच सेगमेंट्स रबड़ के बैंड्स मैंने यहाँ पे दे दिए, फिर बीच में ये जगह हमने छोड़ दी है। अगर आप चाहें तो चलो एक और दे देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करके, ठीक है। दिस विल वर्क फाइन होपफुली। फिर राइट क्लिक किया, अगेन सेम प्रोसेस, एक पहले इसको सेलेक्ट किया विदाउट एनी की, शिफ्ट डबल क्लिक इसके आगे वाला, फिर शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के रखा है, डबल क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा, डबल क्लिक किया, फिर वही प्रोसेस कि हम इसको जो है एक्सट्रूजन में चले जाएंगे और हमने इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करा दिया बैंड को, ठीक है। उसके बाद इसकी रोटेशन कर दी हमने, अच्छा थोड़ी रोटेशन में नहीं जा रहा, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने ट्विस्ट करा दिया इस तरफ, स्केल में चले गए, इसकी स्केलिंग हमने थोड़ी सेट की और फिर रोटेशन में चले गए। अब मैंने ई प्रेस किया है, गिज्मो वाला रोटेट नहीं, और इसको थोड़ा सा हम रोटेट बल्कि हल्का सा करने की करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हो। और उसके बाद जो है बेसिकली आप फ्रंट व्यू में आने के बाद यू विल नोट के मुझे क्या करना पड़ेगा कि वर्टेक्स में चले गए, ठीक है। ये वाले जैसे वर्टेक्स हैं, इनको किया सेलेक्ट, इनको किया सेलेक्ट और डब्ल्यू प्रेस किया, इनको थोड़ा सा हमने पीछे करा दिया, ठीक है। इससे ये होगा कि बैंड जो था वो पहले बिल्कुल सीधा पट्टा आ रहा था, मुझे इसको थोड़ा सा इरेगुलर करके दिखाना है। तो इस तरह से ये जैसे दो पट्टे आ गए, इनको उठाया मैंने और मूव करा दिया थोड़ा सा और पीछे की तरफ। इफ यू वांट प्रेस 4 ताकि वाई फ्रेम में रहते हुए आप इसको जरा सा देख सको। तो इन बैंड्स को जो था हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल सीधे नहीं हो, ये इस तरह से बेसिकली थोड़े से हमें रनिंग ऑर्डर में नजर आए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इनको वर्टेक्स को उठा के यू मूव करा दिया। तो ये आपका लगेगा कि जो पट्टे थे वो बेसिकली थोड़े से टेढ़े, मैं जो रोटेट करने चाह रहा था वो इसी चक्कर में था, पर रोटेशन में वो चीज बनी नहीं ना, तो मैं इसी वजह से अब फिर उसको मैन्युअली जो था वो हमने यू एंगल में रखा कि बजाय कि वो सीधे सीधे नजर आए, अब वो थोड़े से यू एंगल में पट्टे में नजर आ जाएंगे, ठीक है। होपफुली ये चीज थोड़ी सी बेहतर तर्ज पे बन जाएगी जब इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। चले ठीक, पर्सपेक्टिव 5,
ये चीज अब आपके थोड़े से एंगल में आएगी. अब यू वांट, अब इसकी वर्टेक्स को थोड़ा सा आप आगे पीछे कर दोगे तो वो आपको एक जो है ना रफ सा एक लुक दे देगा. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैश में जाके आप जब इसको हम स्मूथ करेंगे तो यू वुड नोट कि हमारे पास डंडा जो है वो पट्टो वाला जो था सही से बना हुआ नजर आ जाएगा. ठीक है, और इसको हमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो हमारे पास थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ गया. थोड़ा मेरे पास मेरे हिसाब से ये ज्यादा हो गया, मैंने कोई डिस्टेंस बाहर ज्यादा निकाल दिया था. ठीक है, इफ यू वांट आप इसको कम भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से इसको हमने थोड़ा सा ज्यादा करा दिया. तो अगर कम करना चाहे तो फॉर एग्जांपल फेस में आए, इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक, सेम थिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड नहीं करेंगे, सिंपली इनको स्केल हम अंदर की तरफ दोबारा कर देंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा निकले हुए मुझे लग रहे हैं तो मजा नहीं कर रहे. तो इन सबको हमने सेलेक्ट किया, स्केल में चले गए और सेंटर से लेट्स जस्ट ट्राई टू डिक्रीज द साइज. ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्केल हमने कम कर दिया. सो लेट्स होप कि अब की बार थोड़ा बेहतर नजर आ जाएगा. चलें, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे तुरगुत भाई की बनकर आ गई. फाइनली इसके अंदर जो था, अब इस तरह के ये पट्टे जो थे हमें वो बना के लगाने हैं. ओके, उसके लिए भी प्रोसेस वही है जो अभी हमने किया था. बेसिकली मैं बॉक्स बना के भी रख सकता हूँ, प्ले बॉक्स बना के इसको यूं रैप करा दिया इसके गिर्द, या जो है हम कर्व बना के भी इसको रैप कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू डू वन ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है, अच्छा जी. सो अब बेसिकली इसका जो ये वाले बैंड्स हैं उसको बनाना है, तो उसको भी मैं इसी तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में सेगमेंट बना के उसको एक्सक्लूड कर दें. हम अलग से बॉल शेप बना के भी रख सकते हैं और उसको फॉर्म कर दें. कर्व भी इसके ऊपर बना के उसको एक्सक्लूड करा के कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री डिफरेंट वेज. मेरे ख्याल में से क्या किया जाए, चलो लेट्स जस्ट डू दिस. ठीक है, क्योंकि हम एक्सक्लूड तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये एक तरीका आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि इस तरह से हम बैंड्स बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो इस तरह से हो या क्या हो. ठीक है, अब जैसे इसमें ये थोड़ा लॉन्गेटर हमने वो नहीं बनाया, वी कैन डू दैट वेरी इजीली नाउ. ये वाले इस तरह के अलग से पट्टे हमें नजर आने चाहिए. जैसे ये मैंने उसी में एक्सक्लूड कर दिया, तो इसको भी मैं अलग से बना सकता हूँ. तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं टोरस के अंदर. ठीक है, लेट्स जस्ट क्रिएट दैट. तो वेरी क्विकली मैं आ गया इधर और मैंने जो है वो टोरस शेप बना दिया. ठीक है, ओके, सो मैंने टोरस शेप बना दिया और लेट मी जस्ट क्रिएट दिस शेप हियर. और W प्रेस किया, इस भाईजान को हम ऊपर लेकर आ गए, राइट क्लिक किया और थोड़ा सा इसको हमने रोटेशन में डाल देंगे, W प्रेस करके दे लिया. ऑब्वियसली दिस इज टू बिग, तो लेट्स जस्ट वर्क विथ इट्स सेटिंग्स. तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगा कि सबडिविजन एक्सिस वो कम कर दिए हमने थोड़े से. ठीक है, और हाइट के एक्सिस के डिविजन थोड़े से कम कर दिए. अब रेडियस के साथ थोड़ा सा खेलते हैं और सेक्शन रेडियस के साथ. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दिस इट्स कमिंग इनटू शेप. अब इसकी रोटेशन थोड़ी सी करेक्ट कर दी और वापस इधर आ गए. ठीक है, थोड़ा सा जूम इन किया, मुझे ये बेसिकली पट्टा इसके ऊपर चढ़ाना है. तो अब रेडियस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि रेडियस थोड़ा सा और कम हो जाए. सेक्शन रेडियस इसकी मोटाई को डील करता है. ठीक है, अगेन अगर आपको कंट्रोल करना है तो नेम पे क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हुए हम इसको जब लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं, दैट बेसिकली बिहेव्स इन अ वेरी नाइस मैनर. ठीक है, और इसकी थोड़ी रोटेशन मैंने और सीधी पदरी कर दी. यू कैन सी दिस, हम वो पट्टा चढ़ाना जरा हमारे लिए इसके लिए आसान हो जाएगा. उसके बाद सब डिविजन्स को थोड़ा सा और कंट्रोल करते हैं. हाइट की सब डिविजन्स को अगर मैं और कम करने गया, आई थिंक ये 7-8 आई थिंक इतना तो रहेगा इसमें. हाइट की आके बात करते हैं. ठीक है, दिख 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 ये चीज, तो हाइट की हमने सब डिविजन्स जो थी वो बिल्कुल कम कर दी ताकि यहाँ से सीधा हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ये भी बिल्कुल सीधा पदरा ऐसा हमारे पास हुआ पड़ा है. और फिर अब इसके सेक्शन रेडियस को भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं कितना हो. इस वाले रेडियस को हमने कंट्रोल करा दिया. सेक्शन रेडियस क्योंकि उसकी ओवरऑल मोटाई को कंट्रोल करता है, तो मुझे ज़्यादा मोटाई पे नहीं जाना. ठीक है, तो मैंने बिल्कुल एक पतली सी रिंग बना दी इसके गिर्द. अब जो है हमारा असल खेल शुरू होगा कि स्केल में चले गए. इसको पहले मैंने स्केल करा दिया मैन्युअली. ठीक, और फिर इसको जो था हम रिंग को थोड़ा सा पतला कर दिया और देयर वी गो, परफेक्ट. ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया यार. ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पे रखा. अब राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आए. ठीक है, अब ये कुछ सेटिंग्स आपको मैन्युअली भी चेक करके देखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज आपकी कहाँ पे कैसे सही बैठ रही है. मैंने अपने हिसाब से इसको फिलहाल था इस तरह से यहाँ पे करा दिया. इस भाई को उठा के इधर रख दिया. ठीक है, और इसी तरीके से फिर कैमरा रोटेट किया, मेकिंग श्योर कि मैं जो है सेलेक्ट करते हुए सारे वर्टेक्स जो था वो उठाता जाऊं. ठीक है, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं.
और इसी तरीके से ये जो रिंग थी इसको भी उठा के हम थोड़ा सा ऊपर, और लेट्स जस्ट मूव इट आउटवर्ड्स। इस तरफ की जो रिंग थी इसको भी उठा के हम इस तरह से ले आते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको किस साइड की रिंग दिखानी पड़ जाए सीन के अंदर। ठीक है, तो अब जो ये गैप था उसको बेसिकली हम खत्म करना है और इसको उठा के इस भाई के साथ जोड़ना है, क्योंकि ये पट्टा ही होगा तो भले शेप खराब भी हो डजंट रियली मैटर, एज लॉन्ग एज के वो आपको लगे कि यार ये ठीक है वाकई किसी ने इसके गिर्द रबड़ से कोई चीज चढ़ाई हुई है। ठीक है, देयर वी गो, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। और ये इस तरह से इसको कर देंगे और इस तरह से इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर लेकर आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास राइट क्लिक करके बैंड आ गया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए। ऑब्वियसली अभी ये बिल्कुल लो पॉली है, इसको भी मुझे फिर मैश स्मूथ लगाना पड़ेगा। तो यू कैन सी दिस कि आपके पास इस पे रबड़ आ गया। ओके, हाँ, अब इसके ये जो इंजीसे बिंजीसे हैं ना, जैसे ये निकली हुई हैं और फिर बीच के पट्टे हैं, जैसे इसके अंदर भी ये बीच के वो नसें टाइप की निकली हुई हैं, वो फिर आप फाइनल वर्जन में हम बड़े आराम से एक आधी वर्टेक्स को पुल अप पुश करके जो है निकाल सकते हैं। और मैं अभी दूसरा तरीका बता देता हूँ जिसके तहत भी आप इसको कर सकते हो। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में आ गया, आई थिंक 4 प्रेस करते हुए ये दो वर्टेक्स उठाई, 5 में गए, डब्ल्यू प्रेस किया, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे भाई, सॉरी कंट्रोल जेड, कौन सा टूल आ गया मेरे पास, क्यू 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 क्यू, वॉक मोड आ गया, आई डोंट वांट अ वॉक मोड, इसका कौन सा शॉर्टकट है वॉक मोड का भाई, ये क्यों सेलेक्ट हो गया, व्यू सेलेक्ट कैमरा व्यू, ओ विंडो यूआई एलिमेंट्स टूल बॉक्स, भाईजान ये वाला वापस आ जाओ। ठीक है, कभी कभी कोई ऐसे शॉर्टकट दब जाते हैं जो हमें खुद नहीं पता होते, सो कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको 5 और वापस 1 पे ले आया। ठीक है, और राइट क्लिक किया, हम वर्टेक्स में चले गए, 4 प्रेस किया था मैंने, ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट की थी, और वापस 5 प्रेस करते हुए W से इसको उठा के मैंने बाहर लेकर आ गया। ठीक है, और आई गेस ये दो वर्टेक्स थी, इसको भी उठा के हमने इसके साथ मिला दिया ऐसा। ओके, और ये जो वर्टेक्स थी वो बल्कि यूं लगनी चाहिए। इसी तरह से 4 प्रेस किया, ये नीचे की दो वर्टेक्स सेलेक्ट की, 5 ओप्स सॉरी, इसको उठा के हम ऊपर लेकर आ गया, और इसी तरह से 4 ये जो दो वर्टेक्स थी इनको उठा के हम ऊपर ले गए, ताकि ये यूं वाला कर्व लगे कि यार ये बैंड एक्चुअली इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा इस चीज को भी सेटअप कर सकते हैं। बाकी के जो वेन्स वगैरह हैं, नसें हैं, वो आप आराम से फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्विकली जो तरीका हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं वो वाला मैं इसमें शो कर देता हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल मल्टी कट में चले गए। ठीक है, और एक वर्टेक्स इधर, एक वर्टेक्स इधर, एक वर्टेक्स दूसरी, तीसरी और फिर चौथी को यहाँ से मिला दिया, प्रेस एंटर। इसी तरीके से फिर इधर से, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से, और फिर वापस इसको यहाँ से मिला दिया। राइट क्लिक किया, आप एज में चले गए, इस वाली एज को डबल क्लिक किया ताकि ये वाली जो थी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से एक वर्टेक्स मिला दी और इसके गिर्द मैंने 3 एजेस और बना दी। अब मैं इसको उठा के थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में वर्टेक्स, और ये जो थोड़ा वर्टेक्स इधर उधर हो गई थी इसको वापस हम अंदर की तरफ ले जाएंगे और इसको सेटअप कर देंगे। तो अब जब ये चीज बाहर आ गई तो उसका एडवांटेज हमें ये मिलता है मेरे भाई कि जब आप इसको स्मूथ करोगे, ठीक है, तो ये आपको जो थी ना इस तरह की नस खिंची हुई वो बैंड सा नजर आ जाएगा। इसी तरह से फिर एक दो और आप वर्टेक्स यहाँ से भी खींच के निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अगेन दोबारा से देख लो, एडिट मैश मल्टी कट मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो एक मैंने इधर निकाली, एक इधर कर दी, एक इधर कर दी, एक यूं कर दी और फिर इसको वापस इधर ले गया। ठीक है, इसी तरह से फिर एक इसको किया, एक इधर किया, तो जो एक एज बनी हुई थी उसके गिर्द मैंने समझो 2-3 वर्टेक्स और बना दी। फिर राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में चले गए, अब ये जो वर्टेक्स थी 1, 2 और 3, ठीक है, इसको पकड़ा, तो ये समझो एक हमने यूं ट्रैका बना दिया और बीच के अंदर की हमने वर्टेक्स पकड़ी, इनको उठा के हमने ऊपर ले गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो, मैं भी इसको भी मैं इस तरह से ले आता हूँ, इसको भी मैं इधर से यूं ले आता हूँ। ठीक है, तो इसका इफेक्ट अब जो होगा वो बेसिकली जैसे हम राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में गए, 3 प्रेस किया, तो सी दिस,
ये आपका बैंड आ गया, अच्छी बात, जबरदस्त बात, ठीक है। तो अब ये फिर आपका यहां से भी बाहर निकल आया, थोड़ा सा ये वर्टेक्स अभी अंदर रहता है, इसको फिर हम अगेन करेक्ट कर लेते हैं बड़ी अपनी मर्जी के हिसाब से। ऑब्वियसली एक आधा सेगमेंट जरूरत पड़ी तो हम और भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। सो दिस शुड डू द ट्रिक वेरी नाइसली। वंस यू हैव दिस कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसी को ही उठा के फिर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। सो इफ आई प्रेस 6 यू वुड नोट कि वो एक बैंड यू जा रहा है, एक बैंड इसके नीचे यहां से यूं जा रहा होता है, ठीक है। तो जो ऊपर था वो ऊपर की तरफ ही रह गया, बल्कि इसको अगर आप चाहो तो फ्लिप कर दो ताकि दूसरी तरफ वाला आ जाए, वरना फिलहाल मैं इसको स्केल कर देंगे थोड़ा सा W से यहाँ पे ले गए और इसकी स्केलिंग Y करके, क्योंकि ये जो ग्रूव्स थे ज्यादा निकला है, इसको अब थोड़ा सा स्केल करके अंदर की तरफ ले जाएंगे ताकि ये चीज हमारे पास तरफ से यू बन जाए, और फिर वर्टेक्स के साथ खेलते हुए मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग लुक्स नाइस, वो बाहर की तरफ हमारे पास होनी चाहिए और ओवरलैपिंग सही से आनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो राइट क्लिक किया, ये हमारे पास यहाँ पे भी बैंड बनकर आ गया, बस। तो ये हमारे पास तुरगत भाईजान की जो थी क्या कहते हैं बनकर आ गई। अच्छा, अब जैसे ये वाला वाइट का हिस्सा ज्यादा रह गया था, तो अगेन एज यू होप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि जैसे ये वाइट बैंड रह गया था, फेस में चले गए, इस फेस एक को सेलेक्ट किया, उसके अगले वाले को शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, अगर आप शिफ्ट दबा के नहीं करोगे नॉर्मल डबल क्लिक किया तो सारे वर्टेक्स उसके लूप के सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और फिर वही चीज कि हम मैश में गए, एडिट मैश में सॉरी एक्सट्रूजन, ठीक है, और बिल्कुल हल्की सी हम इसको एक्सट्रूजन दे देंगे और इसको भी थोड़ा सा पीछे कर देंगे, ओके एफ उससे कम, तो उससे कम की मैंने एक्सट्रूजन जो थी वो यहाँ पे ये दे दी, ठीक है, ताकि ये उभरा हुआ लगेगा बड़ा सा बैंड लेकिन ज्यादा हमें वो जो था तंग ना करे, दैट शुड डू द ट्रिक, ओके। ये हमारे पास तुरगत भाईजान की जो थी वो एक्स बन चुकी है, इसको हम कंट्रोल एस प्रेस करते हुए सेव करा देते हैं, टी यू आर जी यू तुरगत ए एक्स ई एक्स, ठीक, एंड सेव इट। ऑब्वियसली हमने स्मूथ नहीं किया, मैश स्मूथ कर देते हैं इस पूरी ज्योमेट्री को, इसको भी, इसको सॉरी एक्स को नहीं, इसको और इसको मैश स्मूथ, ठीक है, ताकि ये आपके पास एक स्मूथ सी ज्योमेट्री हमारे पास एक्स बन गई। अब रहा इसको टेक्सचर करने का सवाल, तो टेक्सचर करना बहुत आसान है हमारे पास, हम इसके ऊपर मटेरियल असाइन करके इसको टेक्सचर करेंगे। तो बहरहाल ये था मॉडलिंग ऑफ दिस एक्स, होपफुली आपने इसको समझ में आई होगी। नेक्स्ट फेज में फिर हम इसको टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। ये अभी फुदू खान मैंने इसके नहीं बनाए, जो झालरें इसकी लटक रही होती हैं, अगेन वो भी पॉलीगॉन एक्सट्रूड एक्सट्रूड के एक एक करके आप इसको बना के रख सकते हो, ठीक है। यही जहां से ही पॉलीगॉन निकाल के जो है उसको एक रैंडमली धार की तरह से यूं एक्सट्रूड 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 करके ट्विस्ट करके रख देंगे, जब स्मूथ हो जाएगा तो वो झालरें बन जाएंगे, यू कैन डू दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह सी यू अराउंड विद द नेक्स्ट वीडियो।